दोनों से होता है वही इससे होता है, क्या बोलेंगे इसको, मिनी ट्रैक्शन, मिनी ट्रैक्शन नाम याद भी जाएंगे ना। कई बार होता है कि हमारा फ्रेंड जो है ये आपका जब बहुत ऐसे से मूव करेगा इट विल गो डीप इनसाइड द क्रैक एंड वी आर नॉट एबल टू टेक इट आउट, हमारी फिंगर्स नहीं जा रही हैं। इफ माय फिंगर्स इज नॉट गोइंग इनसाइड द क्रैक देन आई विल यूज दिस हुक, दिस इज इट इज नोन एज अबाला हुक, मल्टी हुक एंड अ फ्रेंड की। तो जब ये अंदर फंस जाएगा मैं क्या करूंगा, क्रैक के अंदर आई विल पुट इनसाइड द क्रैक एंड देन पुल द ट्रिगर ऑफ दिस फ्रेंड, इसको खींचूंगा मैं तो ये छोटा हो गया, देन इट विल कम इजीली, क्लियर है। दूसरा इसको मैंने क्या नाम बोला, अबाला हुक, अबाला हुक। तो देयर इज एन एंकर इन आइस, आइस में क्या करते हैं हम छेद करते हैं यहां से और यहां से आइस वॉल में एंड देन वी विल पुट अ स्लिंग और अ रोप इनसाइड द होल एंड वी विल पुल द रोप फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से हम उसको निकाल देंगे। सो इट इज नोन एज अबाला हुक ऑल्सो एंड दैट एंकर इज नोन एज अबाला कोव, वी विल यूज इट इन ऑन व्हेन वी विल डू एडवांस कोर्स, अबाला कोव। ये तो पता है सबको, क्या बोलते हैं इसको, रोप, ठीक है ना। अभी रोप के बारे में जब और दूसरा क्लास होगा तो उसमें और क्लियर बताएंगे आपको। दिस इज लॉन्ग स्लिंग, इट इज अ पीस ऑफ रोप ओनली, दिस इज शॉर्ट स्लिंग, ठीक है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग। टेप स्लिंग, ये बड़ा टेप स्लिंग है एंड दिस इज शॉर्ट टेप स्लिंग, ठीक है ना, साइज का अंतर है बस। क्या बोलेंगे इसको, हेलमेट, क्लाइंबिंग हेलमेट, ठीक है ना, गाड़ी वाला नहीं है ये तो बाइक में पहन के चलाते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, क्लाइंबिंग हेलमेट है। और गाड़ी वाला फिर हम क्लाइंबिंग में नहीं पहनते, नहीं तो उसका चिन्ह यहाँ पे रहता, दिखेगा ही नहीं मुझे कुछ, है ना। ये क्या दिख रहा होगा, हार्नेस, सीढ़ी दिख रहा है ना, दिस इज एल्यूमिनियम रंग्स लैडर, ठीक है। एक और होता है टेप एथीरियर, इट इज मेड ऑफ दिस टेप ओनली बट दैट इज यूज इन रॉक, वो रॉक में यूज होगा। बट वेन वी आर यूजिंग क्रैम्पॉन्स, जब हम क्रैम्पॉन पहनेंगे कैन वी यूज दिस, मेरे कपड़े क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। एंड दिस इज बूट कवर, अभी यूज नहीं होता ये, पहले क्या होता था कि इस तरीके के क्लाइंबिंग शूज नहीं थे, आपने जब सुना होगा ना तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे और एडमंड डलेरी, तो उस टाइम पे यूज होते थे कि वो लेदर शूज जो है बर्फ में जल्दी गीला हो जाता था, गीला होने के कारण वो भारी हो जाता था और पानी पूरा अंदर आता था और पैर ठंडा हो जाता था, तो उस टाइम पे क्या करते थे, इस तरीके के बूट कवर लिए, सिलाए और इसको खोला और बूट के बाहर इसको लगा दिया, तो आपका बूट क्या हो जाता है, वो वाटरप्रूफ हो जाता है। क्लियर हो गया इतना, किसी को कोई डाउट है, अभी शक है, कुछ पूछना है किसी को, हाँ जी। Rappelling is supposed to be when you are descending from any slope. It can be ice, snow, rock. जैसे रॉक में थे रॉक के एंकर, रॉक पिटन, फ्रेंड, चोकनट, सेम आइस के एंकर है, आइस पिटन, आइस पिटन, क्लियर है। अलग अलग तरीके के होते हैं, आगे दूसरा क्लास होगा इट विल बी क्लियर देयर, ठीक है ना। ये ब्लेड टाइप है, ये पोर्ट एंकर है, ये ट्यूबुलर है, अलग अलग होते हैं, लगा के दिखाएंगे आपको और आप खुद लगाएंगे। ओके, व्हेन वी आर इन स्नो देन दीज आर स्नो एंकर्स, दिस इज नोन एज स्नो स्टेक, दिस इज स्नो स्टेक, स्टेक स्टिक नहीं, एस टी ए की के ई स्टेक, ठीक है ना। तो इसको हम बर्फ में लगा देते हैं, स्नो में, दीज आर ऑल्सो स्नो एंकर, स्नो एंकर, दिस इज डेड मैन, डेड मैन एंड डेड बॉय, ठीक है ना। बिकॉज इनका जो इन्वेंशन हुआ था वो यूरोपियन कंट्रीज से हुआ था, वहां पे जब कोई मर जाता है क्या करते हैं, वो उसको दफना देते हैं, सेम इसको भी क्या करते हैं, हम गड्ढा खोदेंगे, वी विल डिग अप इट, वी विल कीप इनसाइड, वी विल बरी इनसाइड दिस स्नो, दैट्स व्हाई इट इज बिग वर, बिगर इज नोन एज डेड मैन एंड द स्मॉलर इज नोन एज डेड बॉय। What was the use of these dead men?
स्नो एंकर, स्नो एंकर इसको क्या बोलेंगे? आइस एक्स, आइस एक्स, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? आइस एक्स, क्यों? बर्फ की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है ना? आइस एक्स। एंड दिस इज ओल्डर वर्जन, इट इज वुडन शाफ्ट, वुडन शाफ्ट है ये, पहले यूज होता था क्योंकि ये टूट जाता था, तो अभी क्या हो गया, ये अपडेट हो गया है। दूसरा वाला है जो रिफ्रेश होके आया है अभी, ये एल्यूमिनियम अलॉय का है शाफ्ट बना हुआ, तो ये टूटता नहीं है। आइस एक्स, इसके बारे में फिर और आगे आपको जब आप आइस क्लाइंबिंग में जाएंगे उसमें और बताएंगे। ये क्या है? आइस एक्स कम हैमर, ठीक है ना? जहां पे मेरे को आइस मिल रहा चाहिए पिटोन, पिटोन को लगाना है, तो देन आई विल यूज आइस एक्स कम हैमर और आइस हैमर, ठीक है ना? ये समझते हैं सब? स्नो गॉगल्स, ठीक है ना? ये भी स्नो गॉगल्स, क्लियर है? ये बड़ा है थोड़ा, इसको हम ज्यादातर वैसे स्कीइंग में यूज करते हैं और इसको क्लाइंबिंग में यूज करते हैं। ये समझते हैं आप? यूटेंसिल, ठीक है ना? कैंपिंग यूटेंसिल है ये, तो हम क्या कर देते हैं कि छोटा हो गया ना, अब बड़े बड़े जो हम पतीले लेके जाएंगे तो वो नहीं यूज होंगे हमारे, वो हमारी क्या करेंगे, पूरी गैस खत्म कर देंगे। तो ये बहुत छोटे में ही क्या है, बहुत सारे बर्तन आ गए, ठीक है ना? कैंपिंग यूटेंसिल, तो ये बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है, इसी में खाने के लिए, इसी में पकाने के लिए, ठीक है जी? दिस इज स्टोव, ब्यूटेन बर्नर, ये क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन बर्नर। तो गैस विच इज यूज इन दिस सिलेंडर, दैट इज ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो एलपीजी क्या होता है कि व्हेन वी आर इन हाई ऑल्टीट्यूड, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो जो एलपीजी है वो जम जाता है, वो जम जाती है, नहीं यूज होता है। तो ये ब्यूटेन जो होती है ये फ्रीज नहीं होती है, ये जमेगी नहीं, ठीक है ना? तो ये सिलेंडर आप इससे ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसे ब्यूटेन सिलेंडर है एंड ब्यूटेन बर्नर है। रिफिल नहीं होता सर, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर यूजेस। अगर आप इसको लगातार जला के रखते तो इट बर्न्स अराउंड टू एंड हाफ आवर्स केवल, वन टाइम यूज है।